Right now around 5:30 हुआ है एंड यू नो यहाँ पे ना 4:30 बजे ऑलरेडी सुबह हो जाते हैं। तो एक चीज क्या है ना, अगर आप लोकल किसी के साथ ट्रैवल करते हो तो एक फायदा है। अभी मेरे साथ दीप है तो इसके बारे में मुझे पता नहीं था, तो दीप ने मुझे जब बताया कि यहाँ पे ट्रेकिंग होता है तो मैंने तुरंत यस कर दिया एंड अभी यहाँ पहुँचते अराउंड आधा घंटा लग जाएगा। आगे हम दिखाते रहेंगे कि क्या क्या रास्ते में मिल रहा है। सुबह का टाइम ना बहुत सुंदर दिखता है, मतलब मैं पता नहीं कैमरा में मैं कैसे इसको एक्सप्लेन करूं, मेरा जो आंख में जो मैं इसको एक्सपीरियंस कर रहा हूं शायद मैं कैमरा में इसको कैप्चर नहीं कर पाऊंगा। और यहाँ साइड साइड में ना बर्ड वॉचिंग के लिए भी बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं जो लोग बर्ड लवर है। मैंने अभी अभी देखा है वहां पे कि किसी ने वहां से फोटो वगैरह ले रहा था। यहाँ पे हम लोग आ गए हैं, काफी एक्साइटिंग रहेगा ये, देखते हैं कैसा होता है आज का ये स्मॉल ट्रैकिंग। ये नामेरी नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व जहाँ पे ये ट्रैकिंग होगा ये असम के अंदर में है, तेजपुर से करीबन 20-25 किलोमीटर दूर पे। तो अभी मैं तो सुबह आ गया था, यहाँ पे 6:00 मेरा टाइमिंग था आने का, तो मैं आ गया और टिकट वगैरह ले लिया। सो ये पर पर्सन 105 रुपीज़ है अगर आप कैमरा वगैरह नहीं लेते हो तो। और आपको जैसे ये पूरा टिकट एकदम ऑनलाइन पे ये लोग का पेमेंट वगैरह होता है, यू कैन नॉट गिव कैश, आप कैश नहीं दे सकते हो। आपके साथ में एक गार्ड के हिसाब से जाएंगे क्योंकि इसके अंदर क्योंकि ये फॉरेस्ट है तो 3 घंटे का टोटल ट्रैकिंग होता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है ना कि ये मंगलवार के दिन मतलब ट्यूसडे के दिन ये बंद रहता है स्पेशली ट्रैकिंग, बट जो राफ्टिंग है क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा है कि रिवर राफ्टिंग भी होता है तो वो राफ्टिंग ओपन रहता है। बट ओवरऑल आपको यहाँ पे इतना भीड़ वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। 6:20 को मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, जैसे ही अभी देखो कितना सुंदर चीजें वगैरह का आवाज आ रहा है। और आप भी जा रहे हो ट्रेकिंग के लिए? हाँ जस्ट अभी आपने लिया, ये दोस्त भी जा रहा है। तो ये ट्रेकिंग करने के लिए क्या पूरा पहाड़ में चढ़ना पड़ता है? नहीं नहीं, फॉरेस्ट टू फॉरेस्ट। तो डर नहीं लगेगा क्यों? आप इससे पहले किया ट्रेकिंग? फर्स्ट, ये फर्स्ट टाइम कर रहे हो, बहुत मजा आएगा। टिकट लेने के बाद अब यहाँ से हम लोग को एक रिवर तक जाना पड़ेगा। यू कैन कम बाई वॉक ऑल्सो, बट कार थे हम लोग के पास तो हम लोगों ने गाड़ी पे आ गया। ये कितने किलोमीटर का होता है? ये हम लोगों का जो अंदर में टूरिस्ट के लिए 5 किलोमीटर राउंड बांधा हुआ है। अच्छा, 5 किलोमीटर हम सर्कल घूमेंगे, मतलब 5 किलोमीटर का सर्कल हम लोग को घूमना है। और वो प्लेन ही है, कोई हिल्स वगैरह नहीं है? इतना हिल्स नहीं है, प्लेन ही है। अच्छा, और अभी ये जो रोड से हम लोग जा रहे हैं ये बफर एरिया, ये बफर एरिया है। हाँ, उसके बाद हम नदी क्रॉस करके वो कोर एरिया मिलेगा, मतलब। अच्छा, तो ये बफर के बाद हम लोग को एक रिवर क्रॉस करना पड़ेगा। रिवर क्रॉस करने के बाद हम लोग कोर एरिया में जाएंगे जहाँ पे 5 किलोमीटर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और 5 किलोमीटर का रेडियस है, जिस रेडियस में हम ट्रेकिंग करेंगे, नेचर का आनंद लेंगे। एक वो रिवर है, ये रिवर से हम लोगों को क्रॉस करके जाना पड़ेगा। नजारा बहुत सुंदर है, सन उस साइड है तो थोड़ा सा बैक लाइट टाइप का आ रहा है। जितना देर तक हम लोगों ने कार पे आया वो भी हम लोग बाई वॉक भी आ सकते थे, थोड़ा और मजा आता। टिकट्स वगैरह यहाँ पे एंट्री वगैरह हो जाते हैं, तो मेरे साथ भी एक फॉरेस्ट ऑफिसर है जो हमको गाइड करके लेके जाएंगे और एज अ सेफ्टी के लिए। और मैं जंगल के अंदर ट्रेकिंग कर रहा हूँ, इससे पहले तो पहाड़ों में किया ना, हो आ रहा है ना, उसी में हम लोग जाएंगे। यहाँ पे सेफ्टी के लिए भी ध्यान दिया गया है, पूरा सेफ्टी ये है। बहुत डीप है ये नदी? है सर, 30 फीट का, 30 फीट तो थोड़ा
कि सेफ्टी लेना जरूरी है, क्योंकि अगर आप सेफ्टी नहीं लेते हो, अगर आप तैरना नहीं आता आपको तो गया। और नीचे बहुत फ्लो बहुत हाई है, करंट है बहुत ऊपर में, दिखेगा आपको। हाँ तो ये ऊपर में उतना नहीं दिखेगा, लेकिन नीचे में बहुत करंट है, इसके वजह से भी आपको सेफ्टी मेंटेन करना पड़ेगा। ये रिवर का नाम है जिया भराली। एक्चुअली ये रिवर अरुणाचल से आ रहा है, अरुणाचल में इसको कामेंग रिवर बोलते हैं, कामेंग। ये पार होके उधर जाना है, वाइल्ड लाइफ को जानवर वगैरह रहता है वो खाने पीने के लिए भी यहाँ तक भी आता है जानवर। अच्छा, डियर कभी कभी वो टाइगर भी आते, टाइगर का भी हम फूड पॉइंट यहाँ मिला था। अच्छा, और बाफेलो एलिफेंट वगैरह सब आता है इधर पानी पीने के लिए। अच्छा, शाम को और रात को भी आता है। अभी हम इधर पूछ सकते अभी मिलेगा, फूड पॉइंट मिलेगा, पार्किंग डियर का, सांभर का, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। तो अभी ऐसे कोई खतरा नहीं है कि खतरा तो थोड़ा जंगल में तो सेंसिटिव थोड़ा देखते मैंने चलना पड़ता है। अच्छा, डायरेक्ट बोल नहीं सकते, मतलब वो खतरा नहीं है, मतलब एलिमेंट तो एलिमिनेट है ना। हाँ, ये तो वाइल्ड एनिमल है, वाइल्ड एनिमल है। तो जनरली यहाँ पे कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ है? इंसिडेंट ऐसे हुआ, लेकिन इतना खतरा नहीं हुआ, मतलब ऐसे फायरिंग करके हम मैंने वो हाथी का साथ ऐसा हुआ था। हाँ, हाथी का साथ मतलब वो मोशन लिया था, मतलब भागने के लिए हम लोग फायरिंग कर दिया वो अंदर में चला गया, अंदर में चला है। तो इसीलिए ना यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि मतलब फॉरेस्ट ऑफिसर के साथ ही आपको आना पड़ेगा, कि उसके बिना आप नहीं जा सकते हो, अकेले तो आप ट्रेकिंग नहीं कर सकते हो। बहुत दिन बाद नाव में उठने का मजा है। अलग अलग चिड़िया का आवाज यहाँ पे आ रहा है, जो बर्ड्स है उसका जो साउंड है काफी इंटरेस्टिंग है। ये हम लोग एकदम बीचों बीच में हैं नदी के, इतना बड़ा नहीं है लेकिन इसका फ्लो बहुत है, स्पीड है बहुत। ये हम लोग अभी पहुंच गए यहाँ पे, देखो यहाँ पे छोटे छोटे पत्थर है और उसी में हम लोग को उतरना पड़ेगा। तो ये आ गया, उसके बाद अपना ट्रेकिंग स्टार्ट हो जाएगा। हम लोग पहले उस पार थे और वहां से अभी हम लोग यहाँ पे आ गए, तो चलते हैं। अच्छा, उस साइड में क्या है, वो लोग बर्ड्स के लिए गए हैं? अच्छा, राइट। बाइकिंग गियर का फूड पॉइंट, यह पानी पीने के लिए आया था शाम को। अच्छा, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी तक बहुत अच्छा है यहाँ। यहाँ बाहर का लोग, फॉरेन कंट्री का भी लोग आता है, और ऐसे तो नॉर्मली इंडियन का तो है, जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंग्लैंड, ऐसे आते भी यहाँ टूरिस्ट आता है बर्ड के लिए। बर्ड के लिए यहाँ जनरली एक बर्ड है जो हम लोगों का, जो असम का स्टेट बर्ड ऑफ असम, ये बर्ड यहाँ मिलता है, मतलब नामरी नेशनल पार्क में। अच्छा। और असम में दो ही जगह मिलता है वो बर्ड, वो बर्ड का नाम है व्हाइट विंग वुड डक। अच्छा, व्हाइट विंग वुड डक हमारा असम, वो स्टेट बर्ड ऑफ असम, स्टेट बर्ड ऑफ असम, इसको बोलता है असम में देवहा। देवहा, ओके। काजीरंगा में भी नहीं है, पोपिटरा में भी नहीं, मानस में नहीं, सिर्फ नामरी में है। और एक जगह है वो डिब्रूगढ़ के, यहाँ मिलते हैं और यहाँ मिलते हैं। अच्छा,
एंड ऑल में ये पार्ट बहुत कम है। ये बात देखने के लिए बाहर का लोग आता है, वो बात देखने के लिए वो दूरबीन लगता है, बहुत बड़ा कमरा लेके इसको फोकस नॉर्मल कैमरा में तो नहीं देख सकते उसको। सो बर्ड्स के लिए मोस्टली फॉरेनर्स लोग आते हैं एंड इंडियन टूरिस्ट जनरली बर्डिंग के लिए नामरी नेशनल पार्क अच्छा है। यहाँ एक रिकॉर्ड हुआ 374 स्पीशीज का बर्ड यहाँ मिला था, मतलब नामरी नेशनल पार्क में। अच्छा, एंड ये सारा माइग्रेटेड बर्ड है, माइग्रेटेड और कॉमन यहाँ का भी है। अच्छा, धीरे धीरे जंगल की तरफ आने लगे हैं। ये एक लोकल फॉरेस्ट है, ये स्टाफ मतलब यहाँ पे रहते हैं। यहाँ से शुरू हो जाते हैं पूरा ट्रेक, यहाँ से एक्चुअल ट्रेकिंग स्टार्ट होता है। पूरा कोल एरिया है ये जगह। हाँ, ये नेट है ना, हमारे टाइगर रिजर्व एंड ये मैप है। यहाँ पे यहाँ से एग्जैक्ट ट्रेकिंग स्टार्ट होता है, तो आप लोग पॉज करके इसका सारे सेफ्टी सब कुछ आप लोग देख लेना। मैं एक छोटा सा चीज़ दिखाता हूँ, बहुत सुंदर से यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है। डू यू नो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेफ्टी? ओपन एंड सी। बहुत सुंदर जगह है, ये सब जो है सब नेचुरली बनता है। अच्छा, अभी हम लोग एक राउंड मारेंगे, वही 5 किलोमीटर होगा। चलते हैं जंगलों के अंदर। ये जानवर का जाने का रोड है। आवाज सुनो आप, कितना डिफरेंट तरीके तरह का बर्ड्स का साउंड। उठ पे कहा
जंगली वो है मुर्गी। ये कॉटन ट्री है लेकिन अभी लगता है वो हो गया है, उड़ गया मतलब वो बारिश से। वॉच टावर टाइप का बना हुआ है, मिल जाता है, मिल जाता है। सांभर वगैरह के काम से यहाँ पे पानी पीने के लिए आते हैं कभी कभी। सब लोग ही जा सकते हैं, सब लोग जो कैटलिंग उसी जाता है। अच्छा, सो ओनली स्टाफ लोग ही उस साइड जा सकते हैं। ये बहुत डीप फॉरेस्ट है, अंदर सारे एनिमल्स है, जनरल पब्लिक के लिए अलाउ नहीं है यहाँ पे। ग्रास एरिया है, यहाँ पे भी जानवर आते रहते हैं खाना पीना करने के लिए। ये भी जंगल के अंदर ही है बट इट्स नॉट डीप नहीं है उतना। ये नॉर्मल एरिया आ गया उतना, इसलिए ना सुबह सुबह यहाँ पे आना चाहिए ट्रैकिंग करने के लिए, क्योंकि धूप भी कम होता है, सॉफ्ट धूप रहता है, उतना हर्ष नहीं है। सो आपको उतना थकान भी नहीं आएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ हो तो 5-6 किलोमीटर आपको चलना ही पड़ेगा, बट इतना भी डिफिकल्ट नहीं है आपको ऐसा कुछ। तो ये सबसे ईजी एंड आसान है यहाँ पर ट्रैकिंग करना। प्लेन ही है, कोई हिल नहीं है, ओनली थिंग इज़ कि आप टू वॉक लिटिल बिट, आपको थोड़ा वॉक करना पड़ेगा। सामने भी कोई आ रहा है यहाँ पे, राइनो छोड़ के बाकी सब ही, राइनो छोड़ के बाकी सब बाइसन है, रॉयल बफेलो है, टाइगर है, टाइगर यहाँ लिपार्ड, रॉयल बंगाल पैंथर, यहाँ टोटल इस एरिया में 10 टाइगर है जो तुम्हें पैसे मिला है, और बाकी डियर वगैरह तो सब कुछ, सिर्फ राइनो नहीं है। अच्छा, ये जो नामरी नेशनल पार्क में राइनो छोड़ के बाकी सभी जानवर यहाँ पे है। और वो पीछे हम लोग का जो है ना वो अरुणाचल का पहाड़ है, पाके टाइगर रिजर्व, पाके टाइगर रिजर्व, और ये नामरी नेशनल पार्क कनेक्टिंग है, मतलब बॉर्डर जैसा, वहाँ का जानवर इधर आता है, इधर का जानवर उधर जाता है, रिजर्व से दूसरे टाइगर रिजर्व में चले जाते हैं। काफी इंटरेस्टिंग है ये। तो आप जब यहाँ पे ट्रेकिंग करने आओगे ना, जो भी आपके साथ ऑफिसर रहेगा, आप बातचीत करो, आपको काफी सारा चीज जानने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज हम लोग को मालूम नहीं है, तो आपको पूछना पड़ेगा, क्वेश्चन करना पड़ेगा, देन ऑफ कोर्स ऑफिसर आपको बताएंगे। और ये भी मेरे को बता रहा था ऑफिसर के दिन में 5-7 किलोमीटर तो ऐसे ही पैदल हो जाता है, तो एक चक्कर लगाना पड़ता है और कभी कभी 2 भी चक्कर हो जाता है। तो इसीलिए जो फिटनेस है वो भी अच्छा है, वो जो या नेफरल जो इसका ऑक्सीजन है बहुत अच्छा है यहाँ पे, यहाँ से ऑक्सीजन लेने से बहुत मतलब फिजिकल में बहुत अच्छा काम आएगा मतलब। राइट, सही में मैं अभी हम लोग ऑलमोस्ट ट्रेकिंग होने वाला है, क्लोज एंडिंग होने वाला है, लेकिन मुझे एक भी बार ऐसा फील नहीं हुआ कि बहुत मुश्किल है, एक भी बार ये नहीं लगा कि यार ये बहुत चढ़ाई है, ऊंचाई है,
धूप थोड़ा सा जैसे ऊपर आ रहा है तो आपको थोड़ा प्यास वगैरह लग सकता है, आप थोड़ा सा वाटर लेके आना। मैं तो लेके नहीं आया था, मैं थोड़ा पी लिया था बिकॉज मैं काफ़ी अर्ली स्टार्ट किया वहाँ पे। बट ओवरऑल आपको नेचर के साथ घूमने का एक डिफरेंट एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके का कहानी सुनने के लिए मिलेगा, और अगर आप लकी हो तो आपको जानवर भी देखने के लिए मिल जाएगा। ट्रैकिंग ख़त्म करके हम लोग वापस जा रहे थे, एक एलिफेंट देखने के लिए मिल गया, लेकिन इतना दूर में है, आई डोंट नो इधर ये मेरा कैमरा में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आई थिंक ही केम फॉर सम वाटर और सम फूड। अभी अभी हम लोग उसी साइड से आए हैं लेकिन दिखाई नहीं दिया था, अब यहाँ से दिखाई दे रहा है। अभी तो मेरा ट्रैकिंग ख़त्म हो गया है एंड ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, लेकिन मेरा जो सजेशन है वो सुबह सुबह आप लोग ट्रैकिंग करो, तो दोपहर को मत आओ क्योंकि अभी इसी वक्त बहुत गर्म है। अगर आप नवंबर दिसंबर में आते हो तो तब ठीक है, अदरवाइज़ ये ठीक नहीं है। ये एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा, नेचर के साथ आपको घूमने के लिए भी मिलेगा एंड आपको इसका आनंद लेना चाहिए। सो होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर आया होगा तो ज़रूर इसको छोटा सा लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करना, बट ये ट्रैकिंग को जरूर एक्सपीरियंस करना इफ़ यू आर कमिंग टू यू नो आसाम एंड तेजपुर एरिया और अरुणाचल में आप जा रहे हो। तो मेरा पीछे आप देख रहे हो रिवर राफ्टिंग भी हो रहा है, तो आपको अगर रिवर राफ्टिंग करना है वो भी आप कर सकते हो। तो फिलहाल वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और फिर मिलते हैं एक नया साइकिलिंग और ट्रैकिंग वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।